नमस्कार LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं या आप सरकारी टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा मंत्रालय का तोहफा जीवन भर मान्य होगा अब टेट सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आइए पूरा विवरण विस्तार से हम आपको बताए देते हैं। टेट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता इस संबंध में एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी हुआ है। सरकारी टीचर बनने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने पहले ही शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की 7 साल की वैधता अवधि खत्म कर दी थी, साथ ही इसे जीवन भर करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अर्थात टेट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता को योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता को अब 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आप देख सकते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का यह ट्वीट है जो उन्होंने 3 जून 2021 को किया है। तो आपको मालूम हो अभी हाल ही में 12वीं परीक्षाओं के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसमें 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय किया गया था और अब यह फैसला आया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत किए गए हैं। 2011 के बाद से जारी हुए TET प्रमाण पत्र की योग्यता अवधि को अब आजीवन कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब 2011 के बाद जो भी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं या जिन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे उन्हें आजीवन प्रमाण पत्र में बदल दिया जाएगा। पहले यह अवधि 7 वर्ष की थी। नई शिक्षा नीति के तहत हुआ है यह बदलाव। शिक्षक पात्रता परीक्षा पद्धति और नियमावली में बदलाव की कवायद लंबे समय से चल रही थी। नए बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रूपरेखा तैयार की थी। आपको बता देना चाहेंगे कि TET की परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली से पहले उनकी अर्हता तय करने के लिए ली जाती है। स्कूलों में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए बिना शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती है, तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बार बार परीक्षा देने से आपको निजात मिल जाएगी। यह प्राइमरी और कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में अध्यापन करने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। और इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में CTET के अलावा आयोजित होने वाली अन्य राज्य स्तरीय TET परीक्षाओं में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। निशंक ने बताया कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए TET प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनके लिए TET अर्थात टेट प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की वैधता अवधि 7 वर्ष पहले समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से शिक्षण क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। तो निश्चय ही यह कदम अच्छा कदम कहा जा सकता है और यह 2011 से लागू होगा, तो इसका फायदा 2011 के बाद जितनी भी टेट परीक्षाएं होंगी हैं सभी उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सरकारी टीचर बने, अच्छे स्कूलों में प्राइवेट टीचर बने। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।